हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किसान अनुदान योजना के बारे में, जिसमें आप कृषि यंत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है इस योजना के लिए और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, और पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देना। ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल पर आप हमारा वीडियो। लाते रहते हैं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश शासन के लिए यहाँ पर ये जो निकली है कृषि यंत्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि तरह तरह के कृषि यंत्र होते हैं, सिंचाई उपकरण होते हैं और माइक्रो सिंचाई उद्यानिकी उपकरण भी होते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में कौन सी निकली है कृषि यंत्र के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अपने जो कंप्यूटर ब्राउज़र में सर्च करना है कृषि किसान अनुदान, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं, या फिर इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी गई है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वर्ष 2021-22 हेतु ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर निम्नलिखित कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। कृषक दिनांक 4 सितंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 13 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो चुके हैं दोपहर 12 बजे से और 13 सितंबर इसकी लास्ट तारीख है। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 14 सितंबर 2021 को संपादित की जाएगी और लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 3 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें लॉटरी का सिस्टम है जो कि 14 सितंबर को जो है लॉटरी लगेगी। आवेदन हेतु उपलब्ध यंत्र यहाँ पर कौन कौन से आप देख सकते हैं, स्वचालित रीपर या फिर रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर और इसके साथ में यहाँ पर पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर है ट्रैक्टर चलित वाला, और विनोविंग फैन जो कि ट्रैक्टर है मोटर ऑपरेटेड होता है। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर जो कृषि यंत्र है चार, इनके लिए यहाँ पर निकला है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आवेदन करने का एक ऑप्शन है, आपको इस पर आना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा महत्वपूर्ण सूचना का एक पेज आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पर आप देखिए अनुदान हेतु आवेदन करने का ऑप्शन है 2021-22 और यह सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक के थ्रू ही होगा, मतलब इसमें आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जिला चूज़ करना है, जो भी आपका जिला है, जिस भी जिले से हम बिलोंग करते हैं। उसके बाद ब्लॉक चूज़ करना है, यहाँ से जो भी आपका ब्लॉक बनता है। ठीक है, और ब्लॉक चूज़ करने के बाद आपको अपना ग्राम, ठीक है, अपना विलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो जिस भी विलेज से आप रहने वाले हैं। कृषक वर्ग में यहाँ पर आप कृषक वर्ग कौन सा है, जनरल है या फिर SC ST वर्ग के, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कृषि यंत्र के लिए आप कौन से कृषि यंत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो चार कृषि यंत्र मैंने बताए उन पर रेड लाइन नहीं है, बाकी के जो कृषि यंत्र उन पर रेड लाइन आपको दिखाई देगी, तो ये जो रेड लाइन वाले इन पर आपको क्लिक नहीं करना है, बाकी जो बिना रेड लाइन वाले विदाउट रेड लाइन वाले इन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जिस भी कृषि यंत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको जो रिक्वायरमेंट है उस कृषि यंत्र पर आपको जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, रेड लाइन वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, मैं आपको एक बार और बता दूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर योजना का नाम आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें आपको जो ऊपर वाली है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस पर ही क्लिक करना है, ना कि दूसरे नंबर की। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सिलेक्ट करने के बाद आपको आधार नंबर लिखना है अपना किसान का यहाँ पर, और मोबाइल नंबर डालकर डिवाइस सिलेक्ट करना है, आप कौन सी डिवाइस से अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास जो डिवाइस है उसको सिलेक्ट करना है। आई एक्सेप्ट टर्म पर यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नियम व शर्त का घोषणा पत्र खुलेगा, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से और उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, और जैसे ही आप इसको क्लोज कर दें उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कैप्चर फिंगर का एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, तो आपने जो भी डिवाइस सिलेक्ट की है उससे आपको किसान का जो है फिंगर कैप्चर करवाना है और यहाँ पर आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद आपको और यहाँ पर एक पावती मिलेगी, तो उसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं कृषि यंत्र के लिए। इसके अलावा यहाँ पर सिंचाई यंत्र की भी निकलती है बहुत सारी, और इसमें सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, बाकी का पेमेंट किसान को करना होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी योजना है, इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें। लॉटरी संबंधित है, जिसमें लॉटरी का लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसको ही यहाँ पर जो है लॉटरी
संबंधित यहाँ पर उसको उपकरण दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।